इंडियन सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि अपने कपड़ों की वजह से रहती है कंट्रोवर्सी में, और कंगारू फार्मिंग का ऐसा सच जिसे जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, और एक आदमी ने की अपने ब्रेन से टाइपिंग, लेकिन वो कैसे, और पाकिस्तान की सबसे मशहूर टिकटॉकर, लेकिन आखिर ये वायरल हुई कैसे, और इन दो जुड़वा भाई की कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, इस वक्त अगर इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट्रेस की बात करें तो वो होगी उर्फी जावेद। इन्होंने कई इंडियन टेलीविजन शो में एक्टिंग की है, लेकिन इनको असली पहचान तब मिली जब ये हाल ही में बिग बॉस OTT में आई, और इसके बाद इन्हें फैन मिलने लगी। लेकिन अपने फैंस को खुश करने के लिए ये ऐसे कपड़े पहनने लगी, इसकी वजह से इन पर आए दिन कोई ना कोई बोलता रहता है और कॉन्ट्रोवर्सी होती रहती है। कुछ न्यूज वाले ये भी कह रहे थे कि इतना कुछ बोलने के बाद भी ये अपनी ड्रेसिंग सेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि और ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो और ये ज्यादा फेमस हो। आप भी देख सकते हो इनके फोटोज कितने ज्यादा अपीलिंग है, और इसीलिए लोग इन्हें अब थोड़ा बहुत हेट भी कर रहे हैं। इस फोटो में लोगों ने इन्हें बहुत कुछ भला बुरा बोला, जैसे कि आधी सिलाई के बाद कपड़े खत्म हो गए होंगे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उर्फी जावेद बस अटेंशन की भूखी है। नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के जानवरों का घर है, लेकिन एक ऐसा जानवर जो कि ऑस्ट्रेलिया पर राज करता है, हम बात कर रहे हैं कंगारू की। ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 27 मिलियन है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की पॉपुलेशन है 50 मिलियन से ज्यादा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इंसानों से डबल मात्रा में कंगारू रहते हैं। वैसे तो कंगारू को खरीदना, बेचना, मारना या फिर घर पर रखना इलीगल माना जाता है, लेकिन इनकी बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर अब कंगारू हार्वेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गई है। कंगारू हार्वेस्टिंग बस कुछ लीगल ID कार्ड वाले लोग ही कर सकते हैं। ये कंगारू को पकड़ते हैं और फिर उन्हें मारकर उनके मीट को निकाल लेते हैं, और उनकी जो खाल होती है उसको लेदर की तरह उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू के मांस को खाना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ इनकी पूंछ का सूप बनाया जाता है। नंबर थ्री, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी जो कि अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता है, लेकिन वो ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। ये चमत्कार हाल ही में थॉमस ऑक्सली नाम के आदमी ने किया था। ये पूरी तरीके से पैरालाइज है, लेकिन इनके ब्रेन चिप की मदद से मैसेज को टाइप किया है। आजकल लोग वॉइस मैसेज या फिर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने बस मैसेज के बारे में सोचा और वो मैसेज टाइप हो गया। इस ब्रेन चिप का इस्तेमाल करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये दूसरी लैंग्वेज में डेवलप नहीं किया गया है। लेकिन सोचिए कि एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ हम हमारे दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कल्पना लगती है, लेकिन अब ये हकीकत बन सकता है ब्रेन चिप की मदद से। नंबर फोर, ये जो खूबसूरत और क्यूट सी लड़कियां अभी आपको दिख रही है, ये है पाकिस्तान की नंबर वन टिकटॉकर स्टार जन्नत मिर्जा। इन्होंने बस टाइम पास के लिए टिकटॉक डाउनलोड किया था और टिकटॉक में 12 वीडियोस अपलोड किए थे। देखते ही देखते उन वीडियो पर व्यूज आने लगे, तो इन्होंने वीडियो अपलोड करना जारी रखा और कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा मशहूर हो गई। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, जिसकी वजह से फैंस इनके वीडियोस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इन्हें पाकिस्तान की नेशनल क्रश भी कहा जाता है। कई लोग तो इसे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत महिला भी कहते हैं। इन्हें एक म्यूजिक वीडियो का भी ऑफर आया था, साथ में ये एक मूवी भी कर रही है। इनकी दो बहनें भी हैं, जिसमें से छोटी वाली बहन है, वो भी पाकिस्तान की थर्ड फेमस टिकटॉकर है, और इनकी बड़ी बहन यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती है। नंबर फाइव, अगर आप पुराने पिक्चर देखना पसंद करते हो तो आपने इस एक्ट्रेस को एक ना एक बार जरूर देखा होगा। इनका नाम है मंदाकिनी। वैसे अगर देखा जाए तो इनका असली नाम है यास्मीन जोसेफ, और पहले ये अपना नाम मंदाकिनी की जगह माधुरी रखने वाली थी, लेकिन फिर राज कपूर की नजर इन पर गई। दरअसल राज कपूर को राम तेरी गंगा मैले की पिक्चर के लिए एक न्यू हॉट और सीजलिंग एक्ट्रेस चाहिए थी। पहले उन्होंने इसके लिए तभी की सबसे हॉट एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया को लेने का सोचा, लेकिन फिर एक बार इनकी मंदाकिनी पर नजर पहुंची और फिर मंदाकिनी को एक पूल फोटो शूट करने के लिए बुलाया गया। पूल फोटो शूट होने के बाद राज कपूर को जिस एक्ट्रेस की तलाश थी वो उन्हें मिल गई। राज कपूर ने यास्मीन का नाम बदल कर मंदाकिनी कर दिया। उनका कहना था कि ये इन पर ज्यादा सूट करता है और इनकी फिल्म राम तेरी गंगा मेली बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप फेमस मूवी बन गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 6, कमाल के एक्टर जैकी श्रॉफ कितने फेमस है ये बात हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। लोग इन्हें जग्गू दादा के नाम से भी जानते हैं और इनके कई फिल्मों में भी इन्होंने जग्गू दादा का रोल किया। जग्गू दादा किरदार इनका काफी फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इनका पहले नाम जग्गू दादा था? दरअसल एक्टर बनने से पहले ये एक लोकल गुंडे थे और इनकी एक गैंग भी थी और सब लोग इन्हें जग्गू दादा के नाम से बुलाते थे। एक दिन जब ये बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या तुम मॉडलिंग करना पसंद करोगे? तो हमारे जैकी श्रॉफ यानी कि जग्गू दादा ने कहा, क्या पैसे देगा? और फिर क्या था, यहीं से जग्गू दादा जैकी श्रॉफ बने और आज जैकी श्रॉफ एक महान कलाकार है। नंबर 7, हम अपनी छोटी बड़ी गलतियों पर भी खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन मिलिए सोहना और मोहना से। ये दोनों पंजाब के रहने वाले दो भाई हैं जो कि बचपन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका जब जन्म हुआ था तो इनके माँ बाप ने इन्हें देखने के बाद इनको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और वहाँ ही इन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया। बड़े होने के साथ इनको कई तकलीफ भी आई, लेकिन इन्होंने हर एक मुसीबत का जमकर सामना किया। ये जब बड़े हो गए तो इन्होंने सोसाइटी पर निर्भर होने से अच्छा खुद के पैरों पर खड़े होने का सोचा और इसीलिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, जिसके बाद इनको हाल ही में एक नौकरी पर भी रखा गया है। ये दोनों भाई चर्चा में तब आए जब फेमस एक्ट्रेस शहनाज गिल इनसे मिलने गई थी। तभी लोगों को पता चला कि भारत में ऐसे दो हौसले हैं और हिम्मत से भरे लोग भी हैं। और जब लोगों को पता चला कि इनके पास नौकरी है तब लोग और भी ज्यादा खुश हो गए थे। नंबर 8, दोस्तों साल 2021 में हुए मिस यूनिवर्स कंपटीशन के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि इस कंपटीशन में कई सालों के बाद किसी एक इंडियन मॉडल को अवार्ड मिला। लेकिन इसी बीच शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि 2021 में मिस यूनिवर्स कंपटीशन हुआ था, जिसकी जो जज थी वो थी हमारी इंडियन एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। और इनको मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन का जज बनने के लिए $1.2 million दिए गए, यानी कि करीब 8 करोड़। देखा जाए तो इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, क्योंकि ये खुद मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।